हेलो दोस्तों, अंजलि किचन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बनाने वाली हूँ आम रस और उसके साथ पूरी। बहुत आसान सी रेसिपी है, तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। आम रस बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे एक आम। यहाँ पे मैंने देवगढ़ आम लिया है, आप इसकी जगह पे कोई और भी आम ले सकते हो। आम को पहले अच्छे से एक बार धो लेना है और साफ़ कपड़े से पोंछ लेना है। फिर उसके पल्प को हम निकाल लेंगे। ये देखिए, कुछ इस तरह से मैंने सारे पल्प निकाल लिए हैं। अब ये सारे पल्प को हम मिक्सर जार में ले लेंगे। इसे अच्छे से एक बार पीस लेते हैं। ये देखिए, पल्प कुछ इस तरह से पीस के तैयार है। अब इसे एक बार छान लेंगे, जिससे कि कोई रेशा वगैरह रहेगा वो निकल जाएगा। तो यहाँ पे थिक आमरस बनके तैयार है। कुछ लोगों को आमरस इतना थिक ही पसंद होता है, तो उसे इस तरह से ही सर्व करते हैं। मुझे थोड़ा पतला पसंद है, तो मैं इसमें थोड़ा दूध डालूंगी। तो यहाँ पे मैंने आधी कटोरी दूध का इस्तेमाल किया है, तो दूध डालेंगे इसमें, जिससे कि ये थोड़ा पतला हो जाए। आधी चम्मच यहाँ पे सूंठ पाउडर डालेंगे। आम रस पचने में थोड़ा हैवी होता है, इसलिए इसमें थोड़ा सा सूंठ पाउडर डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने आधी चम्मच सूंठ पाउडर डालेंगे। अब ये आम ऑलरेडी मीठा है, इसलिए मैंने इसमें चीनी नहीं डाली है। आप चाहो तो इसमें थोड़ी चीनी डाल सकते हो। तो यहाँ पे हमारा आमरस बनके तैयार है, इसे सर्व करेंगे। इसे आप थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दें और इसे ठंडा ठंडा सर्व करें। गर्मियों के मौसम में ये आमरस खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। चलिए अब हम पूरी बना लेते हैं। पूरी बनाने के लिए आधी कटोरी गेहूं का आटा लिया है। आटे को मैंने पहले छान लिया था। अब इसमें एक चम्मच जितना तेल डालेंगे और उसी के साथ साथ थोड़ा सा नमक डालते हैं। सारी चीज़ों को पहले अच्छे से मिला लेना है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के आटा गूंद लेंगे। आटा अच्छे से गूंद के तैयार है। अब इसमें चम्मच तेल डालेंगे, जिससे कि ये सॉफ्ट हो। अब इसे ढक के 5 से 6 मिनट रहने देंगे। पूरी को फुली बनानी हो तो ये सारे स्टेप्स को ज़रूर फॉलो करें। ये देखिए, 6 मिनट हो चुके हैं। वापस से इसे एक बार गून लेते हैं। अब इसके लुए तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे 4 लुए बना के तैयार किए हैं। अब थोड़ा सा तेल लेना है, 1-2 ड्रॉप्स जितना, और पूरी को बेल लेंगे। ये पूरी बना के तैयार करनी है। ये आप देख सकते हैं कि पूरी की किनारियाँ फटी नहीं है, बिल्कुल इसी तरह से पूरी को तैयार करना है। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि मैंने जो पूरी बनाई है उसकी किनारियाँ थोड़ी भी फटी नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही पूरी बना के तैयार करना है। अब इसे तल लेंगे। हाई फ्लेम पे तेल को पहले गरम करेंगे, फिर मीडियम फ्लेम पे पूरी को तल लेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने पूरी को तल के तैयार किया है। आप देख सकते हैं कि सारी पूरी फूल के तैयार है। जैसे मैंने बताया कि आप स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आपकी सारी पूरियाँ अच्छे से फूल के तैयार होगी। तो रस भी तैयार है और हमारी पूरियाँ भी बन गई है। तो आइए रस पूरी को सर्व करते हैं। तो देखिए, तैयार है ठंडा ठंडा रस और गर्मा गर्म पूरी। एकदम परफेक्ट कॉम्बिनेशन से बनी हमारी रस पूरी।
तो दोस्तों आज की मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और ऐसी और रेसिपी देखने के लिए देखते रहिए अंजलि किचन। मिलती हूँ नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।